हेलो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम मिनिमम फंक्शंस ऑफ थ्री वेरिएबल्स वीडियो नंबर 3, मेथड ऑफ लग्रांजीज मल्टीप्लायर्स वीडियो नंबर 2, एग्जांपल 2, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर गिवन दैट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू पी। इसे मिनिमाइज करना है इस कंडीशन के अंडर, जिसे मिनिमाइज करना है उसको हम यू मान ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और कंडीशन एफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस पी, इतने हिस्से को हमने एफ लिख दिया, इज इक्वल टू जीरो। ये दोनों को ही डिफरेंशिएट करेंगे। एग्जांपल का ढरना बिल्कुल एक ही जैसा होता है, डिफरेंशिएटिंग भी है। डिफरेंशिएटिंग भी है। डी यू इक्वल्स टू टू एक्स डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई प्लस टू जेड डी जेड, और डी एफ इक्वल टू ए डी एक्स प्लस बी डी वाई प्लस सी डी जेड फॉर मैक्स ऑब्लिक मिन वी मस्ट हैव, दोनों जीरो होने चाहिए। डी यू इक्वल टू जीरो, डी एफ इक्वल टू जीरो implies that 2x dx plus 2y dy plus 2z dz equals to 0, or a dx plus b dy plus c dz equals to 0. इसकी नंबरिंग कर दिया जाए। नंबरिंग कहाँ से शुरू करते हैं, यहीं से। अब जो दूसरा वाला है उसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करके पहले वाले में हम ऐड कर देते हैं। ये ध्यान रखना है कि जो ये फंक्शन वाला है पहले क्रम पे है, कंडीशन वाला दूसरे क्रम पे है, एकदम सेट पैटर्न होता है। इसमें आप अपने मन से छेड़छाड़ नहीं करिएगा, नहीं आपको दिक्कत महसूस होगी। मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन टू बाई लेमडा एंड देन एडिंग टू वन वी गेट कॉलम वाइज जोड़िए टू एक्स प्लस ए लेमडा मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स प्लस 2y plus b lambda multiplied by dy plus 2z plus c lambda multiplied by dz equal to 0. अब हम dx, dy, dz के coefficients को 0 करते हैं क्योंकि उधर 0 है। Equating to 0, the coefficients of dx, dy, dz we have 2x plus a lambda equals to 0, 2y plus b lambda equals to 0, 2z plus c lambda equals to 0 number 3। अब इन तीनों में क्रमशः x, y, z से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। हाँ, जरूरी नहीं कि x, y, z से किया जाए, लेकिन x, y, z से करते ही हैं, और चीज़ों से करनी पड़ेगी तो वो भी करते हैं, ये सब आगे आएगा। अभी अभी ऐसी चलने दीजिए। मल्टीप्लाइंग दीज इक्वेशंस रेस्पेक्टिवली बाय एक्स वाई जेड एंड देन एडिंग वी हैव
पहले में एक्स से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे में वाई से, तीसरे में जेड से, फिर सबको जोड़ना है। तो पहला 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 जोड़िए, दूसरा 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 जोड़िए, पहला 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 तो टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर आएगा, यानी कि टू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लेमडा कॉमन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू जीरो। इस स्टेप में ये चीज़ आ जाती है, ये वाली, ये जो कंडीशन दिया है ना, इस स्टेप में ये आ जाता है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड की जगह पी रख दो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह यू रख दो। सो दिस इज टू यू प्लस लेमडा पी इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाइज दैट लेमडा इक्वल टू माइनस टू यू अपॉन पी। फिर लेमडा किस वैल्यू को नंबर तीन में रख करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। पुटिंग इट इन थ्री, वी गेट टू एक्स प्लस ए इंटू लेमडा माइनस टू यू अपॉन पी इक्वल्स टू जीरो, टू वाई प्लस बी लेमडा माइनस टू यू अपॉन पी इक्वल्स टू जीरो, और टू जेड प्लस सी इंटू लेमडा माइनस टू यू अपॉन पी इक्वल्स टू जीरो। ध्यान देंगे तो तीनों साइक्लिक सिमेट्री में होते हैं। यहाँ से देखिए टू टू उड़ जाएगा सभी में ना, उड़ जाएगा मतलब टू कामन लेके उधर कर देंगे तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा कितना, ए यू अपॉन पी y इक्वल टू बी यू अपॉन पी z इक्वल टू सी यू अपॉन पी। अब इसमें u इन्वॉल्वड है, इसमें जो है u इन्वॉल्वड है, तो u का मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसका मतलब ये काम ठीक हुआ नहीं। x की वैल्यू कहाँ निकली, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? u किसको माने थे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को, तो a बराबर फिर एक्स वाई जेड, तो कहाँ x निकला कहाँ? तो ये समझाना हम चाह रहे थे कि जो मल्टीप्लायर होता है ना एक्स वाई जेड, 90% से ज़्यादा केसेस में यही मल्टीप्लायर काम आता है, लेकिन देखो यहाँ पे काम नहीं आया। ऐसा करके दिखा देना भी ज़रूरी था आपको, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकली ना, एक्स की वैल्यू एक्स वाई जेड के रूप में, वाई की वैल्यू एक्स वाई जेड के रूप में, जेड की वैल्यू एक्स वाई जेड के रूप में, ये कौन सी वैल्यू है? तो इसको आप मिटाइए, काटिए। मल्टीप्लाइंग दीज इक्वेशंस रेस्पेक्टिवली बाय मल्टीप्लायर, यहाँ पे अब चेंज कर रहे हैं, अब हम ए बी सी ले रहे हैं, ए कामा बी कामा सी एंड देन एडिंग वी गेट। तो पहला कॉलम में आएगा टू ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस लेमडा कॉमन, ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, इम्प्लाइज दैट टू इंटू इसकी वैल्यू पी दी गई है और प्लस लेमडा, इसको हम संक्षेप में सिग्मा ए स्क्वायर लिख दे रहे हैं, इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज दैट लेमडा इक्वल टू माइनस टू पी अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर। अब देखो क्लियर कट आया है, अब लेमडा के इस मान में यू नहीं है ना, यू नहीं है माने एक्स वाई जेड नहीं है। पुटिंग इट इन थ्री, पुटिंग इट इन थ्री, आगे चल करके ऐसे केस आएंगे कि जब लेमडा का मान यू के रूप में आएगा और वो यू उसी में पड़ा रहेगा, हम फिर हम कुछ उसको लिख देंगे, ये सब आगे ट्रेनिंग है। अभी हम आपको बता रहे हैं वो क्वेश्चन जिसमें सिंगल कंडीशन दिया रहता है, वो क्वेश्चन देखिए अब रखिए। देखो आपको लग रहा है कि नहीं, इसको साइक्लिकली रोटेट कर दें तो ये मिलेगा, इसको रोटेट कर दें तो ये मिलेगा, एक्स वाई जेड ए बी सी, तो एक ही बस हम निकाल रहे हैं, बकिया हम रोटेट करके निकाल लेंगे। देखो कैसे, बात को समझो, 2x प्लस ए लेमडा यानी कि माइनस 2ap अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, बकिया दो के लिए हम ऐसे लिख दे रहे हैं etc, 2 2 उड़ गया और x बराबर आ गया ap अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर, इसी तरह से घुमा के लिख लो y इक्वल टू कितना आएगा,
बीपी अपॉन, ये तो घूम के भी उतना ही रहेगा, सिग्मा ए स्क्वायर, और जेड इक्वल टू सीपी अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर। अब वो झंझट नहीं रहे। डिस्क्रिमिनेशन देयरफॉर ब्रैकेट एपी अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर कामा बीपी अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर कामा सीपी अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर इज स्टेशनरी पॉइंट, इज स्टेशनरी पॉइंट। अब हम इसको डिस्क्रिमिनेट करने जा रहे हैं कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। डिस्क्रिमिनेशन विवेचना, फर्स्टली वी एज्यूम दैट, फर्स्टली वी एज्यूम दैट जेड इज अ फंक्शन ऑफ, जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। पिछले वीडियो में आपको बताया था ना कि डिस्क्रिमिनेशन के लिए एक ही रास्ता है, टू वेरिएबल फंक्शन में जैसे डिस्क्रिमिनेट करते थे, आरएसटी मेथड से जैसे डिस्क्रिमिनेट करते थे। तो जो कंडीशन दी गई है इसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू पी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू पी, तो इसमें से हम जेड की वैल्यू एक्स और वाई के रूप में नहीं निकाल सकते। तो अगर निकाल लिए तो ऐसा एज्यूम करने में क्या दिक्कत है। फिर पहला काम, दिए हुए कंडीशन को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएटिंग द गिवन कंडीशन ब्रैकेट में लिख दो क्या है कंडीशन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू पी पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जरूरत पड़ी तो विथ रेस्पेक्ट टू वाई भी कर लेंगे, फिलहाल अभी चलने दो। वी गेट ये एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, वाई कांस्टेंट होगा, जेड कांस्टेंट मत समझिएगा, क्योंकि आपने मान लिया है कि जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो क्या क्या आएगा बोलो भाई, एक्स के रेस्पेक्ट में ए आ गया, प्लस वाई का जीरो हो गया, प्लस सी जेड का हो जाएगा सी डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज दैट डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन सी। अब दिए हुए फंक्शन को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में दो बार ताकि आर आ जाए, आर माने डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट डिफरेंशिएटिंग द गिवन फंक्शन जिसको मिनिमाइज करना था, गिवन फंक्शन ब्रैकेट में लिख दो गिवन फंक्शन कौन है, यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस जीरो प्लस टू जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू टू एक्स प्लस टू जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आई है माइनस ए अपॉन सी। इसको फिर एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू माइनस टू ए बाई सी डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू टू माइनस टू ए बाई सी इन टू डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू माइनस ए बाई सी, दिस इज इक्वल टू टू प्लस टू ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, इसमें कोई शक है क्या? तो R का मतलब यहाँ डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा, चूंकि फंक्शन U है,
तो यहाँ पे आर का मतलब होगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, दैट इज आर इज इक्वल टू दिस वन। तो अब आर एस टी मेथड याद है ना, आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए और आर अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा, आर अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा की स्थिति होती है। तो अब चूंकि ये लग्रांज मल्टीप्लायर मेथड का सलूशन बहुत बड़ा होता है, इसलिए आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है ऐसा नहीं दिखाते हैं, इसको हम महटी आ जाते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, केवल काम छोटा करने के लिए केवल इसी आर पे हम फैसला लिख देते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें आर टी माइनस एस स्क्वायर आपको निकालना ही पड़ेगा, वो क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। देयरफोर यू हैज मिनिमम वैल्यू, यू हैज मिनिमा एट, वही जो पॉइंट निकला था, ए पी अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर, बी पी अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर, सी पी अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर। नाउ यू की मिनिमम वैल्यू, यू मिन, यू कितना भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पी स्क्वायर कॉमन है अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर होल स्क्वायर भी कॉमन है, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सिग्मा ए स्क्वायर माने समझ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो एक कैंसिल हो जाएगा और फाइनली वैल्यू आ गई पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आंसर चेक किया जाए, बिल्कुल ठीक है। आइए एक एग्जांपल और जल्दी से निपटा दें, लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड के क्वेश्चंस थोड़े बड़े बड़े होते हैं, 16 मिनट लगा है हमको। तो एग्जाम में टच करने से पहले समझ लीजिएगा कि किसी भी सवाल में 15 मिनट से कम लगने का सवाल ही नहीं उठता है, एक्सेप्शनल एक दो सवाल है उनको छोड़ के। एग्जाम्पल थ्री, डिवाइड ए डिवाइड द नंबर ए इन थ्री पार्ट्स सच दैट दियर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, दियर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। इस क्वेश्चन को टू वेरिएबल फंक्शन में भी हम पढ़ा चुके हैं, मैक्सिमम मिनिमम ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स में भी ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड से इसको करेंगे। माना ए के तीन पार्ट्स हैं, माना ए के तीन पार्ट्स हैं x प्लस वाई प्लस जेड। मैक्सिमाइज करना है हमको किसको, प्रोडक्ट को, x इंटू वाई इंटू जेड, इसी को मैक्सिमाइज करना, इसको u मान लें। ठीक, लेट x y z बी थ्री पार्ट्स ऑफ द नंबर a, ऑफ द नंबर a सच दैट द प्रोडक्ट x इंटू वाई इंटू जेड इज मैक्सिमम। दस वी हैव टू मैक्सिमाइज u इक्वल टू एक्स वाई जेड कामा सब्जेक्ट टू द कंडीशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए। ये समझ लिए ना आप, देखिए ध्यान से। तो अब जैसे आप करते हो वैसे सरपट भागो। नाउ यू इक्वल टू एक्स वाई जेड
चाहो तो लॉग ले लो, चाहो तो बिना लॉग ले के भागो, ऐसे ही रहने दो, है ना। दैट इज लॉग यू इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड एंड एफ कंडीशन बनाइए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस ए, इसको हमने एफ मान लिया तो कंडीशन हो गया एफ इज इक्वल टू जीरो। चाहो तो इसे लिख दो, डिफरेंशिएटिंग वी हैव, डिफरेंशिएटिंग वी हैव डी यू इक्वल टू, इसको करते हैं तो जाएगा वन अपान यू डी यू ना, लॉग यू का डेरिवेटिव वन अपान यू डी यू इक्वल टू वन अपान एक्स डी एक्स प्लस वन अपान वाई डी वाई प्लस वन अपान जेड डी जेड एंड डी एफ इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड। फॉर मैक्स ऑब्लिक मिन वी मस्ट हैव डी यू इक्वल टू जीरो डी एफ इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू जीरो नंबर वन एंड डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल्स टू जीरो नंबर टू। नंबर टू में लेमडा से मल्टीप्लाई करके नंबर वन में ऐड करेंगे, मल्टीप्लाइंग टू बाई लेमडा, यही लेमडा लेग्रांज मल्टीप्लायर है, अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर, मल्टीप्लाइंग टू बाई लेमडा एंड देन एडिंग टू वन एंड देन adding to 1 we get 1 upon x plus lambda multiplied by dx plus 1 upon y plus lambda multiplied by dy plus 1 by z plus lambda multiplied by dz equal to 0। dx dy dz के coefficients को 0 के बराबर करिए, इक्वेटिंग टू जीरो इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशियंट्स ऑफ डी एक्स डी वाई डी जेड वी हैव वन बाई एक्स प्लस लेमडा इक्वल्स टू जीरो वन बाई वाई प्लस लेमडा इक्वल्स टू जीरो 1 by z plus lambda equals to 0 number 3। तो अभी क्या करेंगे, इन तीनों में हम मल्टीप्लायर का एक सेट चूज करते हैं। तो मैंने कहा ना आपको बहुत लगभग सभी केसेस में यहाँ पे x y z मल्टीप्लायर का ट्रायल जरूर लेना चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तब हम कोई और मल्टीप्लायर का विकल्प सोचेंगे, पहला ट्रायल x y z का लेना चाहिए। पिछले एग्जाम्पल में x y z का ट्रायल हमने लिया था जो कि फेल हो गया था, फिर हमें दूसरा कुछ सोचना पड़ा था। तो पहले आप एक्स वाई जेड को मल्टीप्लायर का सेट ले करके यहाँ पे आप आगे बढ़ा करिए, मल्टीप्लाइंग दीज इक्वेशंस बाय एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाइंग दीज इक्वेशंस बाय एक्स कामा वाई कामा जेड रेस्पेक्टिवली क्रमशः पहले में x से दूसरे में y से तीसरे में z से एंड देन एडिंग, एक बार में दो क्रिया कर रहे हैं एंड देन एडिंग वी गेट, इसमें x से इसमें y से इसमें z से गुणा करके जोड़ना है। तो पहला 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 जोड़िए, दूसरा 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 जोड़िए, तो पहला 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 जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा, 3 प्लस लेमडा ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाइज दैट 3 प्लस लेमडा ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है a इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाइज दैट लेमडा इक्वल टू माइनस 3 बाई a।
ओके, इसको तीन में रखो, पुटिंग इट इन थ्री, पुटिंग इट इन थ्री, वी है वन अपॉन एक्स माइनस थ्री बाई ए इक्वल्स टू जीरो, वन अपॉन वाई माइनस थ्री बाई ए इक्वल्स टू जीरो, वन बाई जेड माइनस थ्री बाई ए इक्वल्स टू जीरो, इम्प्लाइज दैट वन बाई एक्स इक्वल टू थ्री बाई ए, वन बाई वाई इक्वल्स टू थ्री बाई ए, वन बाई जेड इक्वल्स टू थ्री बाई ए, इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू ए बाई थ्री, वाई इक्वल्स टू ए बाई थ्री, जेड इक्वल्स टू ए बाई थ्री, देयरफॉर ब्रैकेट में ए बाई थ्री, ए बाई थ्री, ए बाई थ्री इज स्टेशनरी पॉइंट, इज स्टेशनरी पॉइंट। अब इस स्टेशनरी पॉइंट की हम विवेचना करने जा रहे हैं कि यह मैक्सिमम का पॉइंट है, मिनिमम का पॉइंट है। डिस्क्रिमिनेशन, मैंने सलाह दिया था आपको कि इस प्लेलिस्ट को देखने से पहले आप हमारी वो प्लेलिस्ट जरूर देख लें, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स, तो अच्छा रहेगा। फर्स्टली वी एज्यूम दैट, फर्स्टली वी एज्यूम दैट जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। इसके बाद पहला काम Differentiating the given condition, differentiating the given condition, ब्रैकेट में कंडीशन लिख दो, x plus y plus z equal to a, partially, partially with respect to x, we get 1 plus 0 plus del z upon del x equal to 0, implies that del z upon del x equal to minus 1. Dusra kaam, differentiating the given function, the given function, bracket mein function likh do, log u equal to log x plus log y plus log z, partially with respect to x, we get 1 upon u del u upon del x is equal to 1 upon x plus 0 plus 1 upon z upon del x, del z upon del x ko minus 1 rakh diya jaye, equals to 1 upon x minus del z upon del x ko minus 1 rakhna hai, to minus 1 upon z ho gaya, phir differentiate kariye, differentiating it partially with respect to x again, we get 1 upon u del square u upon del x square minus 1 by u square del u upon del x is equal to minus 1 by x square plus 1 by z square del z upon del x, implies that small r upon u minus 0 is equal to minus 1 upon x square minus 1 upon z square, karan likhe since del u upon del x equal to 0 for max oblique min, minima ki baat ho chahe maxima ki, first order partial derivative p aur q 0 hota hai, p mane del u by del x, q mane del u by del y, ye sab main jo bol raha hu ye sab two variable function ke maxima minima ki भाषा में बोल रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि वो प्लेलिस्ट आप जरूर देख लें। तो ये जीरो हो गया, ये इसको आर लिख दिए, आर अपान यू हो गया, इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू माइनस यू, ब्रैकेट में यू से गुणा कर दिए, माइनस का मान ले लिए, वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान वाई स्क्वायर, यू यू कौन था, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो हो गया माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, जो कि नेगेटिव है। देयरफॉर पॉइंट कौन सा निकला था भाई,
पॉइंट ए बाई थ्री, ए बाई थ्री, ए बाई थ्री निकला था, ए बाई थ्री, ए बाई थ्री, ए बाई थ्री, या ऐसे न लिख के ऐसे लिखिए, देयर फोर यू हैज मैक्सिमा लेस देन जीरो फॉर एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड ऑल इक्वल टू ए बाई थ्री। तो अब आंसर की भाषा लिखे लास्ट में, कंक्लूजन, हेंस ए बाई थ्री, ए बाई थ्री, ए बाई थ्री आर थ्री पार्ट्स, थ्री पार्ट्स ऑफ द नंबर ए सच दैट दियर प्रोडक्ट इज, सच दैट दियर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। ये था आंसर की भाषा, आंसर की जुबान। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक ना किया हो। थैंक यू, बातचीत आगे जारी रहेगी।